अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त लगातार भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। वहीं अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अयोध्या तक सीधे बस सर्विस शुरू की है, जिसकी शुरुआत सुबह अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना कर की। आपको बता दें कि ये बस हफ्ते में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे पंचकूला बस स्टैंड से रवाना होगी, जो कि दिल्ली होते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वहीं आज पहले दिन ये बस दोपहर 1 बजे अम्बाला कैंट बस स्टैंड पहुंची। यहां लगभग 20 मिनट के ठहराव के बाद फिर से अयोध्या के लिए रवाना हुई। मेरा नाम गुंजन है। बस पंचकुला से स्टार्ट हुई है, अयोध्या के लिए आज ही स्टार्ट हुई है और पंचकुला में इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, झंडे लहराए गए। अब ये अम्बाला पहुंची है और अम्बाला में भी इसका अच्छे से स्वागत किया जा रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और मतलब हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही है अयोध्या वासियों के लिए। वहीं बस ड्राइवर ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिसका आज पहला दिन है और इस बस को चलाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है जी, पब्लिक को भी मतलब अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा महसूस, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने और जैसे धीरे धीरे पता चलेगा पब्लिक को सवारी भी बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा जी, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या शेड्यूल दिया गया, कितने बजे चलेगी? ये पंचकुला से चलेगी 10:30 बजे और सुबह पहुँचेगी 5 बजे वहाँ। इसमें डबल ड्राइवर रहेगा, कनेक्टर सिंगल है जी। चाहेंगे औरों को भी ले जाना कि किस परिवार से? चाहेंगे जी बिल्कुल, अच्छा मौका दिया ऊपर वाले ने हमारे को दर्शन करने का। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अम्बाला कैंट के बस अड्डा इंचार्ज अजीत ने बताया कि श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की है। मैं अजीत सिंह, संस्थान प्रबंधक, अम्बाला कैंट बस स्टैंड। आज पंचकूलागार ने शुभारम्भ किया है श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पंचकूला से अयोध्या का। ये बस प्रतिदिन की बजाय सप्ते में 3 दिन चलेगी पंचकूला से, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10:30 बजे। 11:30 बजे ये कैंट बस स्टैंड में आएगी और 20 मिनट काउंटर नंबर 3 पे लगने के बाद यहाँ से गाड़ी को फुल भर के अयोध्या मार्ग पे हम रवाना कर देंगे। जिन भी यात्रियों को अम्बाला कैंट बस स्टैंड से अयोध्या जाना है तो वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इस बस का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर 11:30 बजे अपने निर्धारित टाइम पर पहुँच जाए। अभी पंचकूलागार ने केवल 3 दिन चला, जैसे कि आपको बताया जा चुका है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं आज बस पंचकूला से भर के आई है और हमारी कोशिश है कि हम इसको तीनों के तीनों दिन यहाँ से भर के रवाना करें। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या तक सीधी बस सेवा शुरू की है, जिसके लिए पंचकूला से आज पहली बस रवाना हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।